क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बच्चों, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन के बीच विभेद स्थापित करो। ठीक है, तो अंतर लिखना है इसमें, अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, तो ये लिखना है। ठीक है, लिखिए, एक तरफ लिख लो अलैंगिक जनन, फर्स्ट अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें इस जनन में सिर्फ एक जनन लेता। ठीक है, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, इसमें इसमें नर एवं मादा क्या होता है, नर एवं मादा जनन। आवश्यक होते हैं बिना नर और मादा जनक के लैंगिक जनन आवश्यक वो संभव नहीं हो पाता है। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और लैंगिक जनन में नर और मादा दो अलग अलग जनक भाग लेते हैं। अगला क्या होता है, इसमें युग्मक निर्माण एवं निषेचन नहीं होता है। ठीक है, जब एक ही जनक भाग लेगा तो अलग अलग युग्मक बनेंगे ही नहीं, जब अलग अलग युग्मक बनेंगे नहीं तो निषेचन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसमें युग्मक निर्माण एवं निषेचन होता ही नहीं है, नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनकों की जनन कोशिकाओं से जनकों की जनन कोशिकाओं से अलग अलग युग्मक बनते हैं। ठीक है, जनकों की जनक कोशिकाओं से अलग अलग युग्मक बनते हैं, जब अलग अलग युग्मक बनेंगे तो उनका निषेचन भी होगा। अलग अलग युग्मक बनते हैं तथा
का निषेचन होता है। अलग अलग युग्मक बनते हैं और उनका निषेचन होता है। ठीक है, अगला इनमें समसूत्री विभाजन द्वारा तीव्रता से वृद्धि होती है। जो भी नई संतति बनती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, कोशिकाओं के भी, जिससे तेजी से इनकी वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। अगला बिंदु ऊपर ऊपर के बिठाए गए हैं, नोट कर लिया। चौथा नंबर तीन नंबर नोट कर लिए, जो अलैंगिक जनन होता है वो बहुत ही सरल होता है, जैसे कटे में लगा दी हो गया अलैंगिक जनन। तो यह सरल एवं तेजी से होने वाला जनन है। अलैंगिक जनन जो है वो सरल और तीव्र गति से तेजी से होने वाला जनन होता है। और ये क्या होता है, यह जटिल एवं धीमी गति से होने वाला जनन है। ठीक है, लैंगिक जनन जो है वो बहुत ही जटिल होता है और बहुत ही
स्लो स्पीड से ये जनन होता है, ठीक है। अगला नंबर, इस जनन से उत्पन्न संतान बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। इस जनन से उत्पन्न होने वाली यानी कि लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के समान होती है, ठीक है। क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है, बता चुके पहले, ठीक है। इस जनन से होने वाली संतान आनुवंशिक रूप से अपने जनकों से आनुवंशिक रूप से अपने जनकों से भिन्न होती है। अगला, इस प्रकार का जनन निम्न आकर्षण निम्न अकशेर की जीवों में पाया जाता है, इस प्रकार का जनन बहुत ही निचले अकशेर की जीवों में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये उच्च जाति के जीवों एवं और डेटा वर्गों में पाया जाता है। ठीक है, चलो ये नोट कर लो। इसमें छह अंतर है। पहला अंतर था इसमें सिर्फ अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है और लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर एवं मादा जनक। दूसरा नंबर क्या था? अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण
युग्मकों का निर्माण या मैपिंग चैनल में नहीं होता है, जिससे क्या होता है निषेचन भी नहीं होता है। जब युग्मक बनेंगे नहीं तो निषेचन भी नहीं होगा, लेकिन लैंगिक जनन में नर एवं मादा जनकों में अलग अलग युग्मक निर्माण होते हैं और उसके बाद संलयन की क्रिया होती है जिसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, और अगला क्या था, तीसरा नंबर था, इसमें अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है जिससे जीवों की तेजी से वृद्धि होती है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, चौथा नंबर, ये सरल एवं तेजी से होने वाला जनन है। इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में, यह जटिल और बहुत ही धीमी स्लो प्रोसेस से होने वाला जनन होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में अगली बात क्या है, इस जनन से होने वाली संतान बिल्कुल अपने जनक के समान होती है, यानी कि जनक का क्लोन कहलाती है। और लैंगिक जनन से बनने वाली संतान आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता से भिन्न यानी अलग होती है, उसके गुण अलग होते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन में ये क्या होता है, बहुत ही छोटी प्रजाति के, बहुत ही छोटी जाति के अकशेरुकी जीवों में अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन बहुत ही उच्च जाति के पौधों और जीवों में या कॉर्डेटा आदि वर्गों में ये लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, चलो ये नोट कर लेना सारा कुछ। ठीक, नोट करने के बाद इसको नोट्स बना के इसके रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।